आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन तमाम सितारों के बारे में जिनके डेथ के बाद उनकी मूवी रिलीज हुई है। जिन्होंने शायद सोचा भी नहीं रहेगा कि इस मूवी का शूटिंग मेरे ज़िंदगी का आखिरी शूटिंग रहेगा या आखिरी मूवी रहेगा। और मूवी के शूटिंग तो कंप्लीट हो गया लेकिन मूवी रिलीज से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे हैं और इनके जाने के बाद ये मूवी रिलीज हुई है। तो आइए नज़र डालते हैं ऐसे एक्टर्स के अपकमिंग मूवीज़ या फिर जो मूवीज़ रिलीज़ हो चुके हैं उनके डेथ के बाद। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। जो पहले एक्टर के मैं नाम लेना चाहूँगी वो कोई और नहीं बल्कि नाम है इरफान खान का। इरफान खान की जो लास्ट मूवी थी वो अंग्रेजी मीडियम थी। इसके साथ साथ ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुआ लेकिन आज उनका एक न्यू मूवी इस साल रिलीज़ होने वाला है 28 अप्रैल 2023 को, जिस मूवी का टाइटल है द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस। अभी ये मूवी के रिलीज़ के बारे में इनके खुद के बेटे ने सोशल मीडिया पे इस बात की जानकारी देते हुए लिखा था। ये एक बेटे के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि उसके बेटे मतलब उनके डैड को वो एक बार फिर से बड़े पर्दे पे देखेंगे, लेकिन उनके जाने के बाद एक अलग किरदार के रूप में। सेकंड नाम जिसका मैं लेना चाहूँगी वो जो सभी लोग इससे वाकिफ हैं, SSR सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ था वो आप कह सकते हैं कि बहुत लोगों को काफ़ी दिनों तक ये चीज़ मानने में टाइम चला गया कि वाकई क्या सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। जिस वजह से उनकी डेथ हुआ, जिस वजह से उनका ये चीज़ का सुसाइड कमिट करना, बाकी सारी चीज़ें सामने आया, कोई सोचा भी नहीं रहेगा कि सुशांत सिंह राजपूत इतनी जल्दी हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चल बसेंगे। इस बीच इनका जो लास्ट मूवी रिलीज़ हुआ था उसका नाम है दिल बेचारा, जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया था क्योंकि कोविड का टाइम था 2020 में। सिद्धार्थ सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे और OTT में उनका ये पिक्चर भी उसी साल ही रिलीज़ हुआ था, जिसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था ऑडियंस के थ्रू से। तीसरा नाम जो लेना चाहूँगी मैं वो ऋषि कपूर, जिनका डेथ भी शॉकिंग टाइप था क्योंकि ये भी काफ़ी समय से बीमार नहीं चल रहे थे लेकिन कोविड हुआ था ऐसा कुछ बताया जा रहा था और कोविड के टाइम पर ही इनकी डेथ हो गया। और अप्रैल 2020 को इनका डेथ हुआ और लॉकडाउन से पहले ही उन्होंने एक मूवी के लिए शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था शर्मा जी नमकीन, लेकिन ये मूवी का शूटिंग कंप्लीट नहीं हुआ था जिस वजह से इस मूवी के आधे पार्ट में ऋषि कपूर दिख रहे हैं तो आधे पार्ट में परेश रावल दिख रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे जो नाम लेना चाहूँगी वो है सतीश कौशिक, जिनका हाल ही में डेथ हुआ है। और ये इनकी बात भी मैं कर दूँ कि सतीश कौशिक कुछ दिन पहले ही चल बसे हैं लेकिन इनका जो आपके साथ अपकमिंग मूवी था वो आज ही रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। जी हाँ, इस मूवी में भी ये किरदार के साथ नज़र आए, सलमान खान के साथ काम करते हुए नज़र आए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ एमरजेंसी और पटना शुक्ला, ये दो मूवी में भी सतीश कौशिक काम किए हैं जो रिलीज़ होना बाकी है। मतलब सतीश कौशिक ने सोचा भी नहीं रहेगा कि वो इतना जल्दी हम सबको छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनकी मूवी ऑलरेडी लाइंड अप है। इसके साथ साथ लास्ट जो नाम मैं लेना चाहूँगी वो कोई और नहीं, ओम पुरी हैं। ओम पुरी जनवरी 2017 को पास आउट हो गए एंड उसी साल ईद के दौरान उनका एक मूवी रिलीज़ हुआ था जिस मूवी का नाम है ट्यूबलाइट, जो सलमान खान की मूवी थी। सलमान खान उसमें अहम किरदार में नज़र आए थे और इस मूवी में ओम पुरी भी थे जो इनका आखिरी मूवी है। अभी इन एक्टर्स तो इस दुनिया में भले ही ना रहे लेकिन ये सभी के दिलों में अपने किरदार से, अपने एक्टिंग से सभी के दिलों में एक अलग ही पहचान, एक अलग ही जगह बना के रख चुके हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कौन से एक्ट्रेस के लिए ज़्यादा दुखी हैं और कौन से मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिफा फूज।